नमस्कार, आप जुड़ा छो मॉर्निंग 100। अपनी साथे हूँ सुविधाता। समाचारों की शुरुआत बनासकांठाना पालनपुर न्यू महेश्वरी ने पृथ्वी हॉस्पिटल में आरोग्य विभाग की तपास शक्तिओ जणाता बने हॉस्पिटल ना सोनोग्राफी मशीन सील, बने हॉस्पिटल ना तबीबों ने नोटिस। अमदावादनी टीएलजीएच हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मामले हॉस्पिटल संचालके पुलिस में नोंधावी फरियाद। 15 शख्स सामे राउटिंग, मारामारी एपेडेमिक एक्ट हेठ पुलिस से नोंधावी फरियाद। अमदावाद में माइक्रो कंटेनमेंट स्थलों आंक 300 थी पण पार। चांदोड़िया और गोता में संक्रमण यथावत। ईसनपुर की नवरचना सोसायटी में अत्यार सुधी में 10 पॉजिटिव केस नोंधाया। अमदावाद जिला में 3 नवा टेस्टिंग पॉइंट उभा कराया। कणभा, बाकरोल और कमोड़ चौकड़ी पास रेपिड एंटीजन टेस्ट थशे तो कोरोना संक्रमण उथलो मारता तंत्रे 3 पॉइंट उभा कराया। कोरोना काल में गुजराती आयुर्वेद तरफ वळ्या। सरकारी और खानगी आयुर्वेद हॉस्पिटलों में 45% दर्दियों वध्या। कोरोना में असरकारक गड़ों की बजार में अछत पड़ताई। एटलू ज नहीं, हर्बल टी सहित आयुर्वेद दवाओं पण उपयोग वध्यो तो लोगों ऑनलाइन कंसल्टंट पण वध्यो जेमां 30% सुधीनो थयो वधारो। कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति डामाडोर थी। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष महिपाल गढ़वीए फी वधारनार 13 कॉलेजों लिस्ट जाहिर कर्यो। तो अमदावाद में नदीपार विस्तार में संक्रमण वधता एएमटीएस की रोजनी आवक में 4 लाख घटाड़ो। दिवाड़ी पर्व बाद म्युनिसिपल बसों की रोजनी आवक 12 लाख थी घटी 8 लाख थी। अमदावाद फायर ब्रिगेड ने वधु 50 सहायक फायरमेन मळ्या। 16 वर्ष संघर्ष अंते फळीभूत थयो। फायर वॉलंटियर्स पैकी 114 ने सत्तावार निमणूक आपता वॉलंटियर्स में खुशी। जेतपुर में मोबाइल की दुकान में तोड़फोड़। अजाणा शख्सोए धोखा मारी ने तोड़फोड़ करी। दुकान में बैठेला 2 लोगों ने इजा। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद। जामनगर जामजोधपुर में वधु एक दुष्कर्म की घटना। 16 वर्ष की एक सगीरा पर दुकानदारे पोतानी दुकान में बोलावी 3 वक्त आचर्यो दुष्कर्म जेनी फरियाद नोंधाई। पोलीसे पॉस्को हेठ गुनो नोंधी ने वधु तपास हाथ धरी। केरळना 4 जिल्लाओमां अलर्ट जाहेर। तमिलनाडु और केरल में निवार वावाझोड़ा पछी वधु एक वावाझोड़ू बुरेली त्राटकवानी संभावना। बुरेली वावाझोड़ू श्रीलंका दरियाकांठे त्राटकशे और त्यांथी ते तमिलनाडु तेमज केरल तरफ आगळ वधशे। तिरुवनंतपुरम 48 गामों अलर्ट पर। छेल्ला 24 कलाक में देश में कोरोना 36,604 नवा केस नोंधाया। 501 दर्दियों मौत थया। देश में कुल 94.99 लाख दर्द, 1,38,122 दर्द। राजस्थान में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। छेल्ला 24 कलाक में 2,347 नवा केस, जारी के 19 लोगों की मौत। कुल 2,70,000 की वधु केस कोरोना नोंधाया। त्यार सुधी में 2,331 लोगों की मौत। विश्व में कोरोना वायरस कुल 6,48,22,000 की वधु केस नोंधाया, जारी के 14,98,000 की वधु लोगों ना कोरोना की मौत निपजा। 4,49,26,000 की वधु लोगों रिकवर थया। अमेरिका में कोरोना वायरस 1,43,13,000 की वधु केस कोरोना ने कारण 2,79,865 लोगों ना मौत थया तो 84,05,000 की वधु लोगों कोरोना ने मात आपी। ब्राजील में कोरोना वायरस कुल 64,36,000 की वधु केस नोंधाया, जारी के 1,74,530 की वधु लोगों ना मौत थया तो 56,98,000 की वधु लोगों थया रिकवर। रशिया में कोरोना वायरस 23,47,000 की वधु केस कोरोना ने कारण 41,053 लोगों ना मौत थया। 18,30,000 की वधु लोगों कोरोना ने मात आपी। फ्रांस में कोरोना वायरस केर में थयो वधारो। फ्रांस में कोरोना 22,44,000 की वधु केस नोंधाया, जारी के 53,816 लोगों कोरोना की मौत थया। 1,65,563 लोग थया स्वस्थ। H-1B वीजा अंगे ट्रम्प नवा नियमों पर अमेरिकन कोर्ट नो स्टे। हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स ने थशे राहत। नवा नियमों मुजब आईटी कंपनी ने H-1B वीजा धारकों ने वधारे पगार चुकवनो थतो हतो। राज्य में कोरोना 1,512 नवा केस नोंधाया। छेल्ला 24 कलाक में वधु 14 दर्दियों मौत थया। राज्य में कोरोना कुल 2,12,769 केस। अमदावाद में मणिनगर वोर्ड भाजपा कोर्पोरेटर ने कोरोना। शीतलबेन गड़ागा ने एसवीपी हॉस्पिटल में कराया दाखल। अमदावाद में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 325 नवा केस नोंधाया तो वधु 8 दर्दियों मौत। अमदावाद में कोरोना कुल 50,734 केस।
सूरत में कोरोना ना नवा 252 केस नोंधाया तो वधु 3 दर्दियों मौत निपजा। सूरत में कोरोना ना कुल 44,170 नवा केस नोंधाया। वडोदरा में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 176 नवा केस नोंधाया। वडोदरा में कोरोना ना कुल 20,456 केस। तापी में भीड़ मामले पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कांति गामित और पीआई सहित कुल 18 की धरपकड़। आयोजकों तथा संकड़ेला तमाम लोगों सामे कार्यवाही। सुमूल डेरी डायरेक्टर कांति गामित ने लागी शके झटको। 24 कलाक पुलिस कस्टडी में रहते तो डायरेक्टर पदे थी सस्पेंड थाय तेवी शक्यता। कांति गामित डायरेक्टर पद पर लटकती तलवार। तापी में कांति गामित कार्यक्रम में भीड़ एकठी थवा मामले पीआई सीके चौधरी ने सस्पेंड कराया। आईजी कराया सस्पेंड। कांति गामित ने त्यां भीड़ मामले डोसपाड़ा गामना वीट जमादार अनिरुद्ध सिंह ने सस्पेंड कर दवाया तो जिला पुलिस वड़ाए आपी माहिती। कांति गामित ने पौत्रनी सगाई में थयेली भीड़ एकठी मामले समग्र केस की तपास उषाराड़ा ने सौंपवामां आवी। 7 दिवस में रिपोर्ट करवा माटे आदेश अपायो। तापी में कांति गामित की पौत्री सगाई में एकठी थयेल मामलो भीड़ जे जग्याए प्रोग्राम थयो हतो ते डोसवाड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मळी आव्यो। भगत फड़िया में 45 वर्षीय युवक पॉजिटिव। तापीना व्यारा में लग्न प्रसंग में भीड़ मामले व्यारा पुलिस गुनो नोंधी तपास हाथ धरी। कोविड-19 जाहिरनामा थयो भंग। कपुरा गामे लग्न प्रसंग में भीड़ एकठी थई हती। तापी में भीड़ एकठी थवा मामले प्रदीपसिंह निवेदन। मुख्यमंत्री तात्कालिक तपास आदेश आप पुलिस की चूक रही थी माटे सस्पेंड कर 308 की कलम लगावी गुनो नोंधी धरपकड़ की कामगीरी कराई। छोटाउदेपुर पावी जेतपुर में जाहिरनामा भंग की फरियाद नोधाई। धार्मिक प्रसंग में भीड़ एकठी थई हती। पुलिस एक व्यक्ति सामे फरियाद। कोरोना मुद्दे गुजरात हाईकोर्ट नो महत्वनो निर्णय। मास्क न पहेरना ने कोविड केर सेंटर में कम्युनिटी सेवा आपवी पड़शे। राज्य सरकार ने जाहिरनामू बहार पड़वा आदेश। लव जिहाद मुद्दे मनसुख वसावा निवेदन। गुजरात में लव जिहाद नो कायदो जरूरी। सरकार ने लेखित में रजूआत करीशुं तेम जणाव्युं। गुजरात में उठी लव जिहाद कायदा की मांग। भाजपा धारासभ्य शैलेष मेहताए करी मांग। आ साथ कहूं कि कायदा माटे सीएम ने लेखित में रजूआत कराशे। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पण लव जिहाद कायदो लावा मांग उठी। हिंदू युवतियों ने फोसलावीने धर्म परिवर्तन करावातुं होवाथी लव जिहाद कायदो लावामां आवे तेवी मांग। शाला में परीक्षाओं ने लईने शिक्षण मंत्री आप्युं निवेदन। कहूं कि हाल परीक्षा लेवानो कोई विचार नहीं। शिक्षण मंत्री न्यूज18 साथे करी खास बातचीत। शिक्षण मंत्री कहूं कि जारे शालाओं खुलशे त्यारे लेवाशे परीक्षा। जेटलो अभ्यास भणाववामां आवशे तेटलामांथी ज परीक्षा लेवाशे। तो आ साथे लोकोने खोटी अफवाओथी दूर रहेवा अपील करी। कोरोनानी स्थितिने लीधे 8 तारीखथी शरू थनारी गुजरात युनिवर्सिटीनी परीक्षाओ मोकूफ करी देवाई। टूंक समयमां जाहेर कराशे तारीखो। गुजरात युनिवर्सिटी में चालता एमएससी साइबर सिक्योरिटी कोर्स प्रोफेसर विना चालतो होवानी गुजरात हाईकोर्ट में रीट। हाईकोर्टे युनिवर्सिटी सामे नोटिस इश्यू करी। गुजरात में राज्यसभा की वधु एक बैठक थई खाली। अभय भारद्वाज निधन थी राज्यसभा की बैठक खाली थी। राज्यसभा की बे बैठकों माटे योजाशे चूंटणी। राज्यसभा की बे बैठकों माटे डिसेम्बर में ज पूर्ण कराशे चूंटणी। हाल भाजपनुं संख्याबल 111 तथा कांग्रेसनुं संख्याबल 65। राजकोटनी होस्पिटल में आग कांड बाद तंत्र हरकत में। 21 कोविड होस्पिटल ने फायर नोट विभाग की नोटिस तो फायर सेफ्टी ने लगती खामी दूर करवा नोटिस। अरवली बायड की होस्पिटल में इंजेक्शन की अछत सर्जाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अछत थता दर्दियों ने हालाकी थी। बाहर 3,000 इंजेक्शन लावानी फरज पड़ी। अरवली में सर्जाये रेमडेसिविर इंजेक्शन की अछत मामले डीएचओए आप निवेदन। आतीकाल सुधी में इंजेक्शन पहुंचाड़। अमदावाद चांदखेड़ा पुलिस विभाग में कोरोना कहर। पुलिस स्टेशन 21 कर्मी कोरोना संक्रमित। तमाम पुलिसकर्मी ने होम क्वॉरंटीन कराया तो पुलिस स्टेशन ने करायो सैनिटाइज। अमदावादी मास्क नहीं पहेरवानी नहीं चाहने बाना तो पुलिस मास्क वगर व्यक्ति ने फोटो पाड़ी जेसीपी बनावेला व्हाट्सएप ग्रुप में मोकलशे। शहर तमाम विस्तारों में सादा वेश में पुलिसकर्मियों की एक टीम कैमरा साथ फरशे। फक्त 8 महीना में पुलिस मास्क वगरना 2.78 लाख लोग सामे कर्या केस और 14.89 लाख वसूलो दंड। पंचमहाल मोरवा हड़फना बजारों में ग्राहकों की भारे भीड़। हाट बजार में मास्क वगर फरता लोग जोवा मळ्या। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन। अमदावाद में कोरोना केस वधी रह्या होवा छतां लोग हजू मास्क न पहेरवा माटे बतावी रह्या छे बहाना। अमदावादीओनी बेदरकारी जेनाथी वकरी शके छे कोरोना। अंकलेश्वर में वधी रहेला कोरोना संक्रमण ने लईने पोलीसे करी लाल आंख। मास्क वगर फरता लोग ने पकड़ी फटकार उद्दंड।
साबरकांठा में आवेल पोड़ो फॉरेस्ट ने लेने जाहिरनामु, जाहिर रजाना दिवसे प्रवासी माटे रहेशे बंद, कोरोना संक्रमण ने लेने कलेक्टरनुं जाहिरनामु। कोरोनाना वधी रहेला केस ने लेने शनिवार तथा रविवार पर प्रवासी माटे बंद रहेशे, स्थानिको तथा कर्मचारी माटे आ नियम लागू नहीं पड़े। गांधीनगर सिविल होस्पिटल में वधु 300 कोविड बेड उभा कराशे, कोरोनाना वधता संक्रमण ने लेने लेवायो निर्णय, तथा सिविल होस्पिटल ना 3 डॉक्टर नी पण लेवाशे मदद। सूरत में वध्या कोरोनाना केस, दिल्ली थी सूरत आवती फ्लाइट में सतत जोवा मळ्या कोरोनाना दर्दीओ, सूरत एरपोर्ट पर दिल्ली थी आवेला वधु 3 दर्दीओ निकळ्या पॉजिटिव। सूरत में कंटेनमेंट झोन वध्या, सूरत में हाल 1508 कंटेनमेंट झोन जाहिर कराया, तो अठवा में 327, रांदेर में 385, जारे कतारगाम में 205 और लिंबायत में 195 कंटेनमेंट झोन। सूरत में कोरोना साथ अन्य बीमारी केस पण वध्या, भैस्तान और भाठी विस्तार में तावना कारण बे युवकों मौत थया, नवेम्बर थी अन्य बीमारियों केसों में थयो वधारो। सूरत सिविल में डेंग्यू 19, मलेरिया 68, तावना 52 और गेस्ट्रो 35 दर्दियों आया, कोरोना वच्चे अन्य बीमारी वधता तंत्र की चिंता में थयो वधारो। सूरत में मास्क मुद्दे पुलिस कोंस्टेबल और वाहन चालक वच्चे माथाकूट, लांबी तूतू मेमे बाद परिवारे दंड भर्यो, तो नाक नीचे मास्क पहेरू होवाथी फटकार दंड। वलसाड आरोग्य की टीमें शहर की एक बैंक और होस्पिटल में चेकिंग हाथ धरू, डेप्यूटी कलेक्टर द्वारा रियालिटी चेक करता मास्क और सोशल डिस्टन्स भंग थता दंड। भरूच टांकरेश्वर में नगरपालिकाए मास्क ने लेने चेकिंग हाथ धरू, अलग अलग टीमों बनावी, पुलिस ने साथ राखी अलग अलग विस्तारों में मास्क चेकिंग हाथ धरायो। दिल्ली ना खेडूत आंदोलन कांग्रेस नु समर्थन, 4 डिसेम्बर थी गुजरात ना तमाम जिला मथके करशे धरना, केन्द्र ना 3 कृषि बिल ना विरोध ने आपशे समर्थन। पोरबंदर में सिटी सर्वे कचेरी में समय मर्यादा करता वधु समय वीतता छता अर्जीओ पेन्डिंग की फरियाद, 90 दिवस में निकाल करने अर्जीओ पर 7 मास थी निराकरण न थतुं होवानी फरियाद, जानेवारी सुधी निकाल करने खातरी। सूरत में कोर्ट की बहार रोड पर प्रदर्शन करना वकीलों की अटकायत, तो सूरत की कोर्ट शुरू करने मुद्दे प्रतीक उपवास पर बैसवाना हता, 5 वकीलों की अटकायत करी। सूरत रांदेर में आवेला रामनगर में स्थानिको और पुलिस वच्चे घर्षण, लारीवाड़ा और पालिका कर्मचारी वच्चे स्थानिको पड़ता विवाद, पुलिस ने करवो पड़ो स्थानिको पर बल प्रयोग। बबाल थता पालिका कर्मचारी नासी गया, पुलिसे करी स्थानिको की अटकायत, तो पालिकाए फरियाद न करता स्थानिको ने पुलिसे मुक्त कराया, आखा विवाद वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल। सूरत फायर विभाग विवाद में आयो, साठगांठ में स्काय आईकोन में रहता रहीशोए फायर सेफ्टी बंद होवा छता पालिका ने पालिका तरफ से एनओसी आपी होवानो आक्षेप। 11 माळनी इमारत में फायर सेफ्टी खोटा फोटा रजू करी इमारत की बीयूसी और एनओसी मेळवामां आवी होवानो आरोप, आग लागे तो फायर की गाड़ी अंदर जई शके तेवुं न होवाथी विजिलंस तपास माटेनी मांग। बनासकांठामां डीओए कर्यो आदेशनो अनादार, नायब चूंटणी अधिकारी आदेशनो अनादार कर्यो, डीओए योजो जिला वधघट कैम्प। 15 जानुआर सुधी बदली कैम्प न करवा माटे परिपत्र कर्यो हतो, परिपत्र बाद पण शिक्षकों ने बीआरसी भवन में बोलावीने योजो बदली कैम्प, 300 थी वधु शिक्षकों भेगा थया। जामनगर हरिपत तालुका शाला में वधघट कैम्प में कांग्रेस हल्लाबोल, लालपुर की 19 शालाओं धोरणमज करने पगले विरोध, तो जिला कांग्रेस प्रमुख सहित अग्रणी कैम्प में। प्राथमिक शैक्षणिक महासंघ अरवलीए जिला कलेक्टर ने आप्यो आवेदनपत्र, प्राथमिक शिक्षकों मुख्य 3 प्रश्नों निराकरण लावा रजूआत। महासंघ तरफ थी 4200 ग्रेड पे अने एस्टेट बदली नियमों ने लईने आवेदन आपवामां आव्युं, बाग नहीं संतोषाय तो राज्य कक्षाए 8 डिसेम्बरे धरणानी चीमकी। मेहसाणा नगरपालिकानी सामान्य सभा मळी, सभ्योनी सूचक गैरहाजरीने कारणे तमाम कामो मंजूर, ज्यारे के 2 कामो ना मंजूर करवामां आव्या। नगरपालिकानी सामान्य सभा टाउन हॉल में योजाई, चालू टर्मनी छेल्ली सामान्य सभा में मेहसाणाना तमाम कामों पर मोहर मारवामां आवी। नवसारी में पालिका की सत्ता थयो दुरुपयोग, पूर्व कारोबारी अध्यक्ष गैररीति करीने पालिका ने पहुंचाड़ी नुकसान, 1.71 लाख वेरो न भरवाथी थयो नुकसान। लीमोरा पालिका में कारोबारी अध्यक्षे सत्ता दुरुपयोग करता प्रादेशिक कमिश्नरे आदेश कर्यो, तात्कालिक आकरणी रकम भरवानो आदेश करायो। सुरेन्द्रनगर में करोड़ों खर्चे बनेला फिल्टर प्लांट की कामगीरी सामे सवाल उठा, सुरेन्द्रनगर सहित जोड़िया शहर भूगर्भ गटर पानी प्लांट में फिल्टर कर वगर बारोबार नदी में फलवाता रोष। गटरना गंदा पानी ने शुद्ध करवा पालिका ने करोड़ों की योजना सामे सवालों, आसपास कारखाना मालिकों तथा स्थानिकों गंदा पानी योग्य निकाल की मांग करी।
આણંદના તારાપુર તાલુકાના ખેડૂતોની ફરિયાદ, ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી ઘણી ધીમી છે અને કારણે સરકારના ટેકાના ભાવનો લાભ દરેક ખેડૂતોને નથી મળતો. તારાપુરી પીએમસીમાં તારાપુર ખંભાત, સુચિત્રા પેટલાદ અને અમદાવાદ ગ્રામેથી ખેડૂતો ડાંગર વેચવા આવે છે, પરંતુ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા ધીમી હોવાથી પડી રહી છે મુશ્કેલીઓ, જે ઝડપી બનાવવાની માંગ. મોરબી મચ્છુ બે સિંચાઈ યોજનામાં ગેરરીતિનો આક્ષેપ, મચ્છુ બે સિંચાઈની સમિતિને નવેસરથી બનાવવા રજૂઆત, પરસુંબીયા તાલુકા પંચાયત તથા મોરબી સિંચાઈ વિભાગના અધિક્ષક ઇજનેરને રજૂઆત. લેખિત રજૂઆતમાં ખેડૂતોને પાણી વિતરણ કરતી કેનાલમાં ડીપ ઇરિગેશન યોજના છેલ્લા 3 વર્ષથી પૂરી નથી થઈ, અધિકારીઓ કહ્યું કે રજૂઆત બાદ નવી સમિતિ માટે જલ્દી અહેવાલ રજૂ કરશે. અરવલ્લીમાં ખેડૂતોએ મરચાંની ખેતી કરી, પરંતુ મરચાંમાં કોકળવા નામનો રોગ થતાં ખેડૂતોને નુકસાન જવાની ભીતિ, અનેક દવાઓનો ઉપયોગ કરવા હોવા છતાં પણ પાક નુકસાનીની ભીતિ. સુરતમાં લોકડાઉન બાદ બગી અને સાઉન્ડવાળા સહિત અનેક નાના વ્યવસાયકારો બેરોજગાર બન્યા, બગી અને પેન્ડબાજાવાળાઓએ પોતાના વ્યવસાયના સાધનો સાથે રેલી કાઢી. એટલું જ નહીં, હાથોમાં બેરોજગારીના બેનર સાથે સરકાર પાસે રાહત પેકેજની માંગ કરી રેલી અટવા ગેટથી વનિતા વિશ્રામ કલેક્ટર કચેરી પહોંચી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું. અરુણાચલમાં શહીદ થયેલા મૂળ તાલાલાના સેના જવાનો પાર્થિવ દેહ માદરે વતન લાવવામાં આવ્યો, શહીદને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા વેપારીઓ બંધ પાડ્યો. સામાન્ય જનતા પર મોંઘવારીનો માર, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ વધ્યો, સબસિડી વગરના સિલિન્ડરના ભાવમાં 50 રૂપિયાનો વધારો, નવો ભાવ 651 થયો. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિક ચિરાગ દેસાઈએ કેળાના થડમાંથી ફાઇબર કર્યું છૂટું, તેમાંથી બનાવાયેલ કાગળનું આયુષ્ય 700 વર્ષ હોવાનો દાવો, કાગળમાંથી કરન્સી નોટ બનાવાય તો 3 ગણું વધુ ટકી શકે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિક અને તેમની ટીમે 5 વર્ષ સુધી સંશોધન કર્યું, બનાના ફાઇબરમાંથી બનતા પેપરની ક્વોલિટી સારી, જેનો ઉપયોગ માર્કશીટ અને અગત્યના દસ્તાવેજોમાં કરી શકાશે. થડના ફાઇબરમાંથી સાઉન્ડપ્રૂફ શીટ, મજબૂત થેલી પણ બનાવી શકાય છે. ફિલિપાઇન્સ અને જાપાનમાં કરન્સીના બનાના ફાઇબરનો ઉપયોગ થતો હોવાનો પણ દાવો. વેલકમ બેક. મોડાસાના ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસમાં એસીબીની રેડ ક્લાસ 1 અધિકારી 2000ની લાંચ લેતા ઝડપાયા, મિલકતના નકશા માટે માંગી હતી લાંચ, ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસરની ધરપકડ. સુરતમાં વધુ એક ડાયમંડ કંપનીનું ઉઠમણું થયું, રત્નકલાકારોને વેતન આપ્યા વગર સંચાલકો કંપની બંધ કરી ફરાર, 30 લાખ જેટલો પગાર ચૂકવવાનો બાકી, મામલો પોલીસ કમિશનર કચેરીએ પહોંચ્યો. સુરતના પાલનપુર પાટિયા સ્થિત પચેર શાકભાજી માર્કેટમાં દબાણ દૂર કરવા ગયેલા પાલિકાના સ્ટાફ પર હુમલો કરનાર ટેમ્પો ચાલક સહિત 2 સામે રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ ફરિયાદ. જામનગરના જામજોધપુરમાં સગીરા પર દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી, 16 વર્ષીય સગીરા પર દુકાનદારે આચર્યું દુષ્કર્મ, સગીરાની માતાએ નોંધાવી ફરિયાદ. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 22 ભારે વાહનોની ચોરી કરનારા 4 લોકોની ધરપકડ કરી, પોલીસે 8 ભારે વાહનો કબજે કરી 22 ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો. પોલીસ તપાસ મુજબ વડોદરાના 2 આરોપીઓ વાહનો ચોરી કરી અમદાવાદના કબાડી માર્કેટમાં કટિંગ કરી સ્પેરપાર્ટસ વેચી નાખતા હતા, પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી. દ્વારકા ઓખા હાઇવે રોડ કબીર આશ્રમ રોડ નજીક હિટ એન્ડ રનની ઘટના, બાઇકમાં સવાર 5 વર્ષીય બાળકનું થયું મોત, દ્વારકા પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી. આણંદના વટામણ હાઇવે પર ટેમ્પો અને કાર વચ્ચે અકસ્માતની ઘટના, અકસ્માતમાં 6 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા, ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ખસેડાયા. બનાસકાંઠાના પાલનપુર આબુ રોડ પર ગંફાર અકસ્માત, જેમાં 3 પિતરાઈ ભાઈઓના મોત નિપજ્યા, ફોર્ચ્યુનર કાર ડિવાઈડર કૂદીને અન્ય કાર સાથે અથડાઈ. રાજસ્થાન તરફથી આવતી હતી ફોર્ચ્યુનર કાર, અકસ્માત મલાણાના પાટિયા પાસે સર્જાયો, 3 મૃતકો ગેરેજમાં કામ કરતા હતા, આખી ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા. છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં ગોવિંદપુરા ગામ પાસે અકસ્માત, બોડેલી નસવાડી પાસે પાઇપો ભરેલા ટ્રેલર સાથે બાઇકની ટક્કર, જેમાં 2ના મોત, 1 ગંભીર રીતે ઘાયલ, જેને સારવાર અર્થે ખસેડાયો. દ્વારકાના ખંભાળિયામાં યુવકને નગ્ન ફેરવવાના જે ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા, મામલાની ગંભીરતા જોતા જ રેન્જ આઈજીએ એલસીબીને તપાસ સોંપી, તો 5 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ અપહરણ સહિતની કલમો મુજબ ગુનો. આખો મામલો ગૃહ વિભાગ સુધી પહોંચ્યો, નગ્ન અવસ્થામાં યુવકને માર મારતો લઈ જવાના મામલે કડક પગલાં લેવા તેવા અંધાર. અમદાવાદમાં મેમ્કો બ્રિજ નીચે રેલવે ફાટક નજીક અર્ધ બળેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો, 15-20 વર્ષીય યુવતીનો મૃતદેહ હોવાનું ખુલ્યું, પોલીસે મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડી તપાસ હાથ ધરી. સુરતના ઝોન 4માં આવેલા ઇંગ્લિશ દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો, 1 કરોડ 93 લાખ રૂપિયાના જથ્થા પર બુલડોઝર ફેરવી દેવાયો, અમરોલી વિસ્તારમાં કરાયો દારૂનો નાશ. સુરત પોલીસે છેલ્લા 10 વર્ષથી જપ્ત કરી રાખ્યો હતો દારૂનો જથ્થો,
दमण हरियाणा राजस्थान सहवास की गैरकायदेसर रीते बुटलेगरो द्वारा लवायेलो दारू नाश। भरूच हांसूर टाउन हॉल में मोटी मात्रा में विदेशी दारू झड़पायो। पुलिस 3,04,000 दारू कब्जे कर्यो। बे आरोपी शोधखोळ शुरू करी। दाहोद देवगढ़ बारियार रामा खाते दीपड़ाए हुमलो कर्यो। खेतर में काम करता 45 वर्षीय व्यक्ति पर हुमलो कर्यो, ज्यां माथा अने गर्दनना भागे इजा पहोंचता सारवार अर्थे गोधरा खसेड़ाया। यूकेना प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत आवा माटे आमंत्रण। प्रजासत्ताक दिवस निमित्ते मुख्य अतिथि तरीके आमंत्रित करवामां आव्या। ओडिशा सरकारे आरटीपीसीआर टेस्ट की किंमत नक्की करी। खानगी लेबोरेटरी द्वारा आरटीपीसीआर परीक्षण की किंमत 400 रूपया नक्की करी। अमेरिका एक रिपोर्ट में मोटो खुलासो। गलवान घाटी की हिंसा की योजना चीन सरकारे बनावी होवानो थयो खुलासो। रिपोर्ट अनुसार गलवान में पहले थी 1,000 पीएलए सैनिकों ने तैनात कर दवाया था। कृषि कायदा विरोध में 7 दिवस दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहेला खेडूतों ने मनावाना सरकार प्रयासों निष्फळ रहा। 3 कलाक सुधी चालेली बातचीत बाद पण कोई परिणाम न मळ्युं। तो मीटिंग बाद पण खेडूतों 3 कायदाने पाछा लेवानी मांग पर अट्या। तो मीटिंग में कृषि मंत्री रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री रहा हाजर। खेडूतों साथे सरकार फरी एक बार मीटिंग करशे। खेडूतोए कह्युं के तेओ आ बैठक माटे एटले तैयार थया कारण के सरकारे कोई शर्त राखी नहोती। बैठक पूरी थया बाद सरकार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा अने दिल्लीना प्रतिनिधिओ साथे करी रही छे चर्चा। चारधाम परियोजना हेठ रस्ता पहोळा करवा माटे मंजूरी मांगी। सुप्रीम कोर्टे हाई पावर कमिटी ने कहूं कि रक्षा मंत्रालय तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा करवामां आवेली अरजी पर विचार करे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट में केवेट अरजी दाखल करी। बीएमसी बॉम्बे हाईकोर्ट निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम में अरजी दाखल करे तो तेनो पक्ष सांभळ्या वगर सुप्रीम कोई आदेश जाहिर न करे। कोलकाता में कोरोना नियमों की अनदेखी जोवा मळी। ममता सरकार तरफ थी द्वार द्वार सरकार नामना अभियान हेठ शिबिर जेमां लोकोनी भारे भीड़ जामी। आ तरफ खुर्शीओ पर बैठेला अधिकारीओ सरकारी योजनाओनी जानकारी आपता हता अने बीजी तरफ लोको कोरोनानी गाइडलाइननुं उल्लंघन करता जोवा मळ्या। कोरोना वेक्सिनने लईने केन्द्र सरकारनुं मोटुं निवेदन। कह्युं क्यारे नथी करी पूरा देशमां टीकाकरणनी वात। यूपीमां फिल्म सिटी बनावा माटे मुंबईमां योगी आदित्यनाथे करी अक्षय कुमार साथे मुलाकात। आ साथे ज केटलीक फिल्म हस्तीओ साथे पण बैठक करशे। खेडूत आंदोलन ने कारण आजादपुर मार्केट में वेचवामां आवनार फळ अने शाकभाजीओनी मात्रा में धरखम घटाड़ो। अछतने कारण फळ अने शाकभाजीओना भाव वधवानी आशंका। खेडूतोए केन्द्र सरकारनी साथे वातचीतने बतावी सकारात्मक परंतु बैठक बाद पण आंदोलन रहेशे चालू। तो बीजी तरफ कृषि मंत्रीए 3 डिसेम्बरे निर्णायक निर्णयने लगावी आशा। मध्यप्रदेश में बैतूल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमरे पावर प्लांट नू गंदु टॉयलेट साफ कर्यु। प्रद्युमन सिंह सतपुड़ा पावर प्लांट की अचानक निरीक्षण करवा माटे पहुंचा। यूके कोरोना की रसी ने मंजूरी आपी। फाइजर रसी उपयोग ने आपी मंजूरी। वैक्सीन 95% कारगत होवानो दावो। आगामी सप्ताह थी यूके में उपयोग पण शुरू थी जशे। ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स जंगलों में आग हवे रहेणाक विस्तारों सुधी पहुंची। तेज हवाओं की लहरों ने कारण आग रहेणाक विस्तारों में पहुंची जेना कारण लोग अन्यत्र जवा मजबूर थया। आ तरफ फायर ब्रिगेड की पूरेपूरी टीम आग बुझावाना काम में लागेली जोवा मळी। तो हेलिकॉप्टर्स द्वारा आग बुझावामां आवी रही छे। केमिकलनो छंटकाव करायो साथे ज लोकोने सावधानी राखवानी पण अपील कराई। मिस्त्रमां एंजीनियर कोरोना दर्दीओनी सारवार माटे बनाव्यो रोबोट। जेना बाद डॉक्टर्स नर्सोए दर्दीओ पासे जवानी जरूर नहीं रहे। रोबोटना कारणे स्वास्थ्यकर्मीओना कामनो बोझ हळवो थई जशे। रोबोट स्वास्थ्यकर्मीओने कोरोनानी झपेटमां आवता बचावे छे। रोबोट एक नर्सनी जेम दर्दीओनी देखरेख करतो हॉस्पिटलमां जोवा मळ्यो। रोबोटने दुनियाना कोईपण खूणेथी रिमोटथी ऑपरेट कराशे। पाकिस्तानो एकमात्र एशियाई हाथी विमान मार्फते कंबोडिया पहुंच्यो। कावन नामना हाथीनुं स्वागत अमेरिकी पॉपस्टार शेरपणा एरपोर्ट पर करता नजरे पड़ा। पाकिस्तानमां एकमात्र एशियाई हाथी हतो जे 35 वर्षथी रहेतो हतो। वर्ष 1985 श्रीलंकाए पाकिस्तानने भेटमां आप्यो हतो। कावन हाथी इस्लामाबादना एक चकली घरमां रहेतो हतो। थाईलेंडमां पूरनी झपेटमां आवेला बे बौद्ध भिक्षुको अने एक श्वानने बचावी लेवाया। अचानक आवेला पूरनी लहेरोमां तेओ फसाता रेस्क्यू टीमे तेमने सुरक्षित रीते बहार काढ्या। जाणवा मळ्युं छे के श्वानने बौद्ध भिक्षुकोए ज बचाव्या। तेओ तेने पकड़ीने लगभग 2 कलाक सुधी उभा रह्या ज्यां रेस्क्यू टीम आवता तेमने बचावी लेवाया।
આ સાથે બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ, પણ વધુ સમાચારો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.